अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस पेपर 2018 को। और सेक्शन 1 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द कंपोजिशन पावर्स एंड पोजीशन ऑफ द फ्रेंच नेशनल असेंबली। कंपोजिशन पावर्स एंड पोजीशन ऑफ द फ्रेंच नेशनल असेंबली इज द लोअर हाउस। फ्रेंच नेशनल असेंबली इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द फ्रांस। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस एंड द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। जो फ्रांसीसी कौमी असेंबली है, फ्रांस की पार्लियामेंट का ये निचला ऐवान है और ये कानून साजी के अमल और मुल्क की हुक्मरानी में अहम किरदार अदा करता है। यह हम देखेंगे जो फ्रेंच नेशनल असेंबली है इसकी कंपोजिशन को, और उसके अंदर जो मेंबर्स यानी के जिनके ऊपर मुश्तमिल होती है, उन मेंबर्स की तादाद 577 है, यानी नुमाइंदे हैं मेंबरान जो पार्लियामेंट है, मेंबरान पार्लियामेंट। और नुमाइंदों का जो इंतखाब है वो 5 साल की मुदत के लिए दो मरलों में, दो राउंड में होता है, और इंतखाबी निज़ाम के जरिए होता है, जो एक नशिस्त पर जो मुश्तमिल इंतखाबी हलकों के अंदर होता है। और दूसरा है रिप्रेजेंटेशन यानी नुमाइंदगी। हर नुमाइंदा जो है वो फ्रांस के मखसूस जुग्राफियाई हलके की नुमाइंदगी करता है, और असम्बली जो है वो मुल्क की सियासी जो डाइवर्सिटी है उसकी अक्कासी करती है, जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों और तहरीकों के अरकान शामिल होते हैं। और फ्रांस की जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, सियासी जमातों का निज़ाम होता है, तो कौमी असम्बली मुख्तलिफ सियासी ग्रुपों पर मुश्तमिल होती है, जिनमें बड़ी जमातें भी शामिल होती हैं। जिस तरह से जमात है ला रिपब्लिक इन मार्च, यानी कि ये मरकजी जमात है, रिपब्लिकन जो है सोशलिस्ट पार्टी, सेंटर लेफ्ट यानी मरकजी दाएँ सोशल, और उसके बाद सोशलिस्ट जो है यानी रिपब्लिकन जो है वो सेंटर राइट है, और सोशलिस्ट पार्टी जो है वो सेंटर लेफ्ट है। और इसके अलावा नेशनल रैली है यानी फार राइट और इंतहाई दाएं, और मुख्तलिफ लेफ्ट लिस्ट एंड इन्वायरमेंटल पार्टीज, मुख्तलिफ बाएं बाजू और मौलियाती जमातें इसके अंदर शामिल हैं। देन पावर्स ऑफ द फ्रेंच नेशनल असेंबली, लेजिस्लेटिव पावर। अगर हम बात करते हैं कौमी असम्बली के इख्तियारात की, तो इसमें जो कानून साजी के इख्तियारात हैं, तो कौमी असम्बली के कानून साजी के अमल में अहम किरदार अदा करती है, यानी फ्रेंच के जो नेशनल असम्बली है वो उनके कानून साजी में, कानून बनाने में अहम किरदार अदा करती है, और ये बिल पेश करने में, फिर उनके ऊपर डिबेट्स करने की सलाहियत भी रखती है। इट हैज़ अथॉरिटी टू अमेंड, एक्सपेक्ट एंड रिजेक्ट लेजिस्लेशन, और ये कानून साजी को तरमीम, फिर कबूल या फिर मुस्तरद करने का इख्तियार रखती है। दूसरे नंबर पर है बजटरी पावर यानी बजट के इख्तियार। तो असम्बली जो है वो कौमी बजट के ऊपर कंट्रोल रखती है, ये हुकूमत की जो माली तजावीज़ हैं उनका जायजा भी लेती है और उन्हें मंजूर भी करती है, और ये बजट जो है उसमें तरमीम भी पेश कर सकती है। उसके बाद है गवर्नमेंट ओवरसाइट यानी हुकूमत की निगरानी। तो कौमी असम्बली जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से हुकूमत को जवाब दे बनाती है, क्वेश्चन टाइम एंड कमेटीज यानी सवालात के वक्त नुमाइंदे हुकूमत के वज़रा से उनके पॉलिसियों और फैसलों के बारे में सवालात कर सकते हैं। और जो कमेटियाँ हैं असम्बली में, तो कई कमेटियाँ हैं जो मसाइल की तहकीकात करती हैं, कानून साजी की निगरानी करती हैं और हुकूमत के इकदाम की जांच भी करती हैं। देन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स है यानी आईनी इख्तियारात। तो नेशनल असम्बली आईनी तरमीम में हिस्सा लेती है, जिसके लिए दोनों ऐवानों की मंजूरी और रेफरेंडम की ज़रूरत होती है। फिर कंट्रोल ओवर द एग्जेक्टिव यानी जो है वो असम्बली हुकूमत के खिलाफ जो है वो अदम एतमाद की वोटिंग भी शुरू कर सकती है, अगर ये कामयाब हो जाए तो हुकूमत के इस्तीफे का ये वजह बन जाती है। फिर पोजीशन ऑफ द फ्रेंच नेशनल असेंबली है, रिलेशनशिप विद द सेनेट, सेनेट के साथ जो तालुकात हैं कौमी असेंबली की हैसियत में। तो कौमी असेंबली जो है वो लोअर हाउस है, निचला ऐवान है, जबकि सेनेट फ्रांस की पार्लियामेंट का अपर हाउस है। तो ये दोनों जो ऐवान हैं वो कानून साजी के अमल में शरीक होते हैं, और कौमी असम्बली को खास तौर पर माली कानून साजी के मामले में ज़्यादा ताकत हासिल है। और सियासी अहमियत जो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है, तो कौमी असम्बली हुकूमत की पॉलिसियों और उसकी जो डायरेक्शन है उसको शक्ल देने में अहम किरदार अदा करती है। असम्बली में सियासी जो अक्सरियत है वो हुकूमत के इस्तेकाम को, उसके जो मौसरियत है, इफेक्टिवनेस है, उसका तयन करती है। फिर हुकूमत आमतौर पर जो उस जमात या इतिहाद के जरिए बनती है जो कौमी असम्बली में जो जमात अक्सरियत रखती है। फिर इन्फ्लुएंस ऑन नेशनल पॉलिटिक्स है यानी जो असम्बली कौमी सियासत पर असरअंदाज होती है, आवाम के मफादात और खदशात की नुमाइंदगी करती है, और उसकी जो यानी कि तश्कील है, कंपोजिशन है, वो फ्रांस की जो सियासी स्पेक्ट्रम है उसको रिफ्लेक्ट करती है, जिससे फिर एक दवा नुक्ते नज़र की नुमाइंदगी मुमकिन हो जाती है।
उसके बाद है इसके अंदर लिमिटेशंस यानी हदूद। तो अपने इख्तियारात के बावजूद जो कौमी असम्बली है उसके ऊपर सदर के जरिए असरअंदाज हो सकती है, खासतौर पर खाजा पॉलिसी और कौमी सलामती के मामलात में। तो अपने इख्तियारात के बावजूद कौमी असम्बली पर सदर के जरिए असरअंदाज होती है। फ्रांसीसी सदर के पास जो है बाज़ हालात में कौमी असम्बली को तहलील करने का अख्तियार भी होता है जो असम्बली के काम और आज़ादी पर असरअंदाज हो सकता है। तो फ्रांसीसी जो कौमी असम्बली है वो फ्रांस के सियासी निज़ाम में एक अहम इदारा है जिसमें कानून साजी के अमल में बेहतर एक नुमाया एक वाज इख्तियार और जिम्मेदारियाँ हैं। सो इट्स पोजिशन रिफ्लेक्ट द कंट्री पोलिटिकल डाइवर्सिटी, उसकी तश्कील मुल्क के सियासी डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करती है। ये हुकूमत की निगरानी और जवाबदेही में अहम किरदार अदा करती है। तो कुछ हदूद के बावजूद डिस्पाइट सर्टेन लिमिटेशंस असम्बली फ्रांसीसी जमहूरियत का एक अहम हिस्सा है, कौमी पॉलिसी पर असरअंदाज होती है, शहरियों के मफादात की नुमाइंदगी करती है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंपेयर एंड कॉन्टेस्ट द पावर्स ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट विद द अमेरिकन प्रेसिडेंट, कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट ऑफ द पावर्स इंडियन प्रेसिडेंट वर्सेस अमेरिकन प्रेसिडेंट। भारतीय सदर की पावर्स का ताकतों का अमेरिका के सदर की पावर्स के साथ कंपैरिजन करें और इख्तलाफ करें। तो भारतीय जो सदर हैं यानी भारत के सदर और अमेरिका के सदर अपने अपने सियासी निज़ामों में वो बड़े अहदों पर अहम अहदों पर फायज हैं, लेकिन उनकी ताकतें और किरदार दोनों ममालिक के हुक्मरानी के स्ट्रक्चर की मुनफरद नेचर की वजह से मुख्तलिफ हैं। तो इसमें हम देखेंगे भारतीय सदर की ताकत का मुवाजना करेंगे अमेरिका की सदर के ताकत के साथ। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में अगर हम देखें यानी इंडियन प्रेसिडेंट को और फिर अमेरिकन के प्रेसिडेंट को आइनी हैसियत यानी दोनों सदूर की, तो भारत के पास जो है वो सदर का किरदार वो बुनियादी तौर पर यानी तकरीबन रस्मी होता है और हकीकी जो ताकत है वो वज़ीर-ए-आज़म और वज़रा के कौंसल के पास होती है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी यानी आइनी अथॉरिटी, तो सदर एक आइनी अलामत के तौर पर काम करता है और आइन के जो आर्टिकल है 74 उसके मुताबिक वज़रा के कौंसल के मशावरत के ऊपर इख्तियार इस्तेमाल करता है। अब इसके यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन में अगर हम कंपेयर करें अमेरिकन प्रेजिडेंट को, तो उसके जो इंतजामी इख्तियार हैं तो अमेरिका के सदर रियासत और हुकूमत का सरबराह होता है और जिनके पास जो अमरीकी आइन के मुताबिक जो काबिल ज़िक्र इंतजामी कुव्वत भी होती है, खुद मुख्तार उसका किरदार होता है यानी अमेरिका सदर कांग्रेस से खुद मुख्तारी के साथ काम करता है और दाखिली और खारजी पॉलिसी में अहम इख्तियार रखता है। फिर लेजिस्लेटिव पावर्स में दोनों सदूर के पावर को अगर हम कंपेयर करें, हम पहले इंडियन प्रेसिडेंट के पावर को देखते हैं, तो पार्लियामेंट की तलब और मुलतवी करना जो इसका इख्तियार है यानी भारतीय सदर के पास पार्लियामेंट के इजलास को तलब करने और मुलतवी करने का इख्तियार है। और उसके बाद बिलों पर रजामंदी है यानी सदर को पार्लियामेंट की जानिब से मंजूर शुदा बिलों पर रजामंदी देना जरूरी है ताकि वो कानून बन सकें और इनका यानी कि इनकार तकरीबन हरियर ही होता है, बहुत कम होता है। और उसके बाद एड्रेसिंग पार्लियामेंट यानी पार्लियामेंट का खिताब, तो सदर हर सेशन के आगाज पर दोनों ऐवानों को का खिताब करता है और हुकूमत के एजेंडे को पेश करता है। फिर कंपेयर करें हम इसी में अमेरिकन प्रेसिडेंट को, तो उसके पास वीटो पावर होती है यानी अमेरिकी सदर को कांग्रेस की तरफ से मंजूर करदा कानून साजी पर वीटो करने का अख्तियार हासिल होता है जिसे सिर्फ दोनों ऐवानों में दो तहरीक के जरिए ख़त्म किया जा सकता है। फिर स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस है यानी अमरीकी सदर कांग्रेस के सामने हर साल सेनेट ऑफ द यूनियन का खिताब जो है वो देता है जिसमें पॉलिसी की तजहियात और कानून साजी के एजेंडे को पेश किया जाता है। फिर कंपेयर करें हम दोनों सदूर की पावर को एग्जीक्यूटिव पावर्स में यानी इंतजामी इख्तियारात में, तो जो अपॉइंटमेंट पावर्स है यानी तकरीरी इख्तियारात हैं, तो सदर वजीर आजम का तकरर करता है यानी भारतीय सदर जो अमूमन अक्सरियती पार्टी का रहनुमा होता है, वजीर आजम की मशावरत पर दीगर वज़रा की तकरीरी करता है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव उसके पास अपॉइंटमेंट होती है इंतजामी तकरियाँ, तो सदर जो है वो रियासतों के गवर्नर अटारनी जनरल को दीगर अहम अहदों के ऊपर जो तकरियाँ होती हैं वो करता है और ये तकरियाँ ज़्यादातर रस्मी ही होती हैं। उसके बाद इमरजेंसी पावर्स की अगर हम बात करें हंगामी इख्तियारात की इंडियन प्रेसिडेंट की, तो सदर मखसूस हालात में हंगामी हालात का ऐलान कर सकता है जो हुकूमत के काम करने के ऊपर असरअंदाज होता है। तो फिर अमेरिका के प्रेसिडेंट को अगर हम देखें यानी इंतजामी इख्तियारात उनका, तो अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिशियल्स यानी अहदों की तकर्री वो करते हैं, अमरीकी सदर को वफाकी जजेस सफीरों वफाकी एजेंसियों के सरबराही की तकर्री का अख्तियार हासिल होता है यानी बड़े अहम अहदों के ऊपर सदर जो है वो तकर्रियाँ करता है जिसके लिए सेनेट की मंजूरी की ज़रूरत भी होती है। फिर कमांडर इन चीफ है यानी अमरीकी सदर मुसलह अफवाज का कमांडर इन चीफ होता है जो फौजी कार्रवाई और फौजी और कौमी दिफा की पॉलिसियों में हदायत देता है। फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स
इंतजामी अहकामात होते हैं उसके पास, अमेरिका का सदर कांग्रेस के मंजूरी के बाद वफाकी हुकूमत की कार्रवाइयों की हदायत करने के लिए इंतजामी अहकामात जारी कर सकता है। फिर जुडिशियल पावर्स के अंदर अगर हम दोनों सदर को कंपेयर करें तो जो भारतीय सदर है वो चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दीगर जजेस की तकरीरी करता है, और जो वजीर आजम वो चीफ जस्टिस की सिफारिशात के ऊपर मबनी होते हैं। फिर उसके अंदर आफियत देने के अख्तियार है, यानी सदर आइन के आर्टिकल 72 के तहत जो है वो पेंडिंग पेरोडिंग पावर दे सकता है, आर्जी माफी दे सकता है, सस्ना देने का उसके पास इख्तियार होता है, और यानी आर्टिकल 72 के तहत। उसके बाद अमेरिकन का अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है वो अमेरिका का जो सदर है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस और वफाकी जजेस की को नामजद करता है, तो जिसकी फिर सेनेट की तौसीक उसको दरकार होती है। और उसके बाद अमेरिकी सदर के पास वफाकी जराइम के लिए आफियात और आर्जी माफी देने का भी आइनी इख्तियार होता है, जो कि अमेरिकी अदालती निज़ाम में एक अहम ताकत है। उसके बाद फॉरेन पॉलिसी में अगर हम कंपेयर करें दोनों सदर के पावर को, तो इंडियन जो प्रेसिडेंट है वो सदर जो है वो बैन अक्वामी फोरम और अमूर में भारत की नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन खारजा पॉलिसी बुनियादी तौर पर वज़ीर आज़म और काबीना के जरिए ही चलाई जाती है। फिर यानी मुआहदों की तौसीक है, तो इसमें जो मुआहदे हैं और बैन अक्वामी मुआहदे हैं यानी पार्लियामेंट की तौसीक है, वो पार्लियामेंट की तौसीक के मोहताज होते हैं अगर जो सदर उनकी मुज़ाकरात इनके मुज़ाकरात करता है। फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट है तो ये खारजा जो तालुकात का इख्तियार इसके पास होता है, अमेरिका सदर के पास खारजा पॉलिसी पर काफ़ी कंट्रोल होता है, जिसमें मुआहदे मुज़ाकरात करना सेनेट की मंजूरी के तहत इंतजामी मुआहदे इसके अंदर शामिल होते हैं। तो सदर कांग्रेस की मंजूरी के बगैर फौजी कार्रवाइयों का हुक्म दे सकता है, और हालांकि जो कांग्रेस है उसके पास जंग का ऐलान करने का जो है वो इख्तियार है। तो जो पावर्स हैं भारतीय सदर और अमेरिकी सदर की ताकतें जो हैं उनके सियासी निज़ाम के नेचर की वजह से जो है वो काफ़ी मुख्तलिफ हैं, क्योंकि दोनों मालिक का सियासी निज़ाम एक दूसरे से काफ़ी मुख्तलिफ है और आइन भी मुख्तलिफ है, तो एक दूसरे जो है एक निज़ाम के तहत ही उनके पास इख्तियार हैं। और भारतीय सदर बुनियादी तौर पर एक तकरीबन रस्मी ही किरदार अदा करता है, और जो अमरीकी सदर है वो इंतजामी शाह के अंदर शामिल होता है, कानून साजी में शामिल होता है, खारजा पॉलिसी में काफ़ी उसके पास इख्तियार होते हैं। तो इन इख्तलाफात को समझना जो है वो हर एक यानी मुल्क के जो हुक्मरानी के मुनफरद खसूसियात और उनके रहनुमाओं की कौमी पॉलिसियाँ उसको बनाने में जो है वो किरदार अदा करता है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि डू यू एग्री दैट पाकिस्तान वाज अचीव्ड बाय जीना थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक प्रोसेस फॉर द सेक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, क्या आप इस बात से इतफाक करते हैं कि पाकिस्तान के आज़म के जरिए आइनी जमहूरी अमल के जरिए आइनी जमहूरियत के लिए हासिल किया गया। सो द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इज ऑफ एन एट्रीब्यूट टू द विजनरी लीडरशिप ऑफ द मोहम्मद अली जिना द फाउंडर ऑफ द पाकिस्तान, हिज कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेपरेट नेशन फॉर द मुस्लिम इन साउथ एशिया, कैद आज़म का आइनी जमहूरियत के जरिए पाकिस्तान के हसूल में किरदार, पाकिस्तान का क्याम अक्सर मोहम्मद अली जिना की बसीरत भरी क्यादत से रिलेट करता है, जो पाकिस्तान के बानी हैं आनी जमहूरियत के लिए, उनके अजम ने जनूबी एशिया में मुसलमानों के लिए एक अलग कौम के क्याम में अहम किरदार अदा किया। और हिस्ट्रिकल कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखें ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का, तो इंडिया जो था भारत यानी बरतानवी नौआबादियाती हुक्मरानी के तहत था, जहाँ मुख्तलिफ मजहबी और सकाफती कम्यूनिटियाँ एक दूसरे के साथ रह रही थी। फिर एक अलहदा कौम के मुतालबे का आगाज़ हुआ, जो सियासी मार्जिनलाइजेशन और मुस्लिम शनाख्त और हकूक़ के बारे में खदशात के जवाब में हुआ। देन फार्मेशन ऑफ द आल इंडिया मुस्लिम लीग, 1906 में मुस्लिम लीग तश्कील दी गई ताकि बरतानवी हिंदुस्तान मुसलमानों के मफादात की नुमाइंदगी की जा सके, जिना एक अहम रहनुमा के तौर पर उभरे जो जमहूरी फ्रेमवर्क में मुसलमानों के हकूक़ की वकालत करते थे। फिर जिना विजन फॉर पाकिस्तान एडवोकेसी फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, जिना ने आइनी ज़राए से मुसलमानों के सियासी हकूक हासिल करने पर यकीन रखा, नुमाइंदगी और शहरी आज़ादियों की अहमियत के ऊपर जोर दिया। तो उन्होंने इस बात को यकीनी बनाने के लिए उनके बेपनाह मेहनत की कि मुसलमानों को भारत के सियासी मंजरनामे में आवाज़ मिल सके और मुसलमान अपने जो है अपनी सकाफत अपने मजहब के मुताबिक रह सकें। और टू नेशन थ्योरी, जिना ने दो कौमी नज़रिया पेश किया जिसमें यह कहा गया कि हिंदू और मुसलमान दो मुख्तलिफ कौम हैं, उनका मजहब उनकी सकाफत उनके समाजी रस्म व रिवाज एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, ये नज़रिया मुसलमानों के लिए एक अलग कौम के मुताबिक के लिए बुनियाद फराहम करता है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक प्रोसेस डिमांड फॉर द सेल्फ गवर्नेंस, जिना और मुस्लिम लीग ने आइनी असलाहत का मुतालबा किया जो मुसलमानों को खुद हुकूमत फराहम करें उनके हकूक़ का तहफ़ करें। उन्होंने सूबाई खुद मुख्तारी और कानून साज इदारों में मुनासिब नुमाइंदगी की वकालत की। फिर होर रेजोल्यूशन आई 1940
میں تو پاس ہوئی تو اس میں باضابطہ طور پر ہندوستان یعنی کے خلاف جو ہے انڈیا کے خلاف شمال مغربی اور مشرقی علاقوں مسلمان کے الگ ریاستوں کا مطالبہ کیا گیا تھا کیونکہ ان ریاستوں میں یعنی نارتھ ویسٹرن اور ایسٹرن زونز میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی ہندوؤں کے مقابلے میں. تو اسی لیے جو ہے وہ جناح نے اور قائد اعظم جیسے رہنماؤں نے یہ مطالبہ کیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے وہاں پر یعنی مسلمانوں کی اکثریت ہے تو اس کو ایک الگ ریاست بنایا جائے اور جو جس کے اوپر صرف مسلمانوں کی حکمرانی ہو. پھر یہ جو قرارداد تھی ریزولیشن تھی ایک جمہوری عمل کے ذریعے پاکستان کے حصول کی طرف ایک اہم قدم تھی جو سیاسی مذاکرات پر زور دیتی تھی نہ کہ کسی تشدد کے اوپر. دی نیگوشیشنز اینڈ پولیٹیکل اسٹریٹجی انگیجمنٹ ود برٹش اتھارٹیز. پھر مذاکرات اور سیاسی حکمت عملی اپنائی گئی اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے برطانوی حکومت کے ساتھ مذاکرات کیے گئے. جناح نے برطانوی حکام اور دیگر سیاسی رہنماؤں کے ساتھ مذاکرات کیے اور مسلمانوں کے لیے آنی تحفظات کے حق میں انہوں نے وکالت کی. انہوں نے کوشش کی کہ مختلف گول میز کانفرنس میں انہوں نے شرکت کی جو بھارت میں آنی مسائل کے حل کے لیے جو ہے وہ منعقد کی گئی تھی. پھر پاکستان حکومت کی تشکیل ہوئی جانے کے جناح کی قیادت میں مسلمانوں کی سیاسی جو موبلائزیشن تھی وہ کافی اہم رہی تھی. پھر جس کے نتیجے میں پھر 1946 کے انتخابات میں مسلم لیگ کی نمایاں کامیابی ہوئی اور یہ انتخابی فتح مسلمانوں کے علیحدہ قوم کے مطالبے کو بھی ہائی لائٹ کرتی ہے اور آئینی سیاسی عمل کی جو افیکٹونیس ہے اس کو بھی ظاہر کرتی ہے. اب چیلنجز اور کنٹروورسیز ہیں اپوزیشن فرام ادر پولیٹیکل پارٹیز یعنی جو جس طرح سے بھارتی قومی کانگریس ہے دیگر جماعتیں ان کی تقسیم کے خیال کی انہوں نے یعنی کہ اس خیال کی تقسیم کے خیال کی مخالفت کی کہ ایک انہوں نے کہا کہ ایک متحدہ بھارت ہی ہونا چاہیے اور جو ہے اس بھارت کو جو ہے اس کے اندر تقسیم نہیں ہونی چاہیے. جناح کو آئینی فریم ورک کے اندر مسلم لیگ کے جو مطالبات ان کی قانونی حیثیت کو قائم کرنے میں تنقید اور چیلنجز کا بھی سامنا کرنا پڑا. تو جناح نے جو ہے آئینی جمہوریت کے حق میں وکالت کی ان تمام چیلنجز کے باوجود اور فرقہ وارانہ تناؤ نے بھی سیاسی منظرنامے کو پیچیدہ کر دیا تھا. تو تقسیم کے دوران تشدد بھی ہوا. امن پسند آئینی مذاکرات کے نظریات کی نفی کی گئی. تو یہ جو ہے کہنا درست ہے کہ پاکستان محمد علی جناح کے ذریعے ایک آئینی جمہوری عمل کے ذریعے حاصل کیا گیا اور جو مسلمانوں کے حقوق تحفظ اور آئینی جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے تھا. تو جناح کی جو کمٹمنٹ تھی پولیٹیکل انگیجمنٹ میں یعنی انہوں نے ان کی جو سیاسی مصروفیت تھی یا نمائندگی تھی یا مذاکرات کے لیے عزم تھا پاکستان کے قیام میں اس نے بہت اہم کردار ادا کیا اور جمہوری منتقلی کو حاصل کرنے کے حوالے سے جو پیچیدگیاں تھیں ان کو بھی ہائی لائٹ کیا گیا. جناح کا یہ ورثہ تھا کہ وہ آئینی جمہوری یعنی جمہوریت کے علمدار تھے. پاکستان کے سیاسی نظاموں کی بنیادوں کو سمجھنے میں یہ بہت اہمیت رکھتا ہے. سو نیکسٹ ہمارا کوشچن ہے کہ لوجیکلی پروف دیٹ 18 امینڈمنٹ آف دا 1973 کنسٹیٹیوشن از کنسیڈرڈ ٹو بی دا نیو سوشل کانٹریکٹ فار پروویژنل اٹانمی امنگ دا پاکستانی پولیٹیکل پارٹیز. منطقی طور پر ثابت کریں کہ 1973 کے آئین کی 18ویں ترمیم کو پاکستانی سیاسی جماعتوں کے درمیان صوبائی خود مختاری کے لیے ایک نئے سماجی معاہدے کے طور پر سمجھا جاتا ہے. سو یہ ہمارا سوال ہے. تو 18ویں جو ترمیم ہے اس نے پاکستان میں صوبائی خود مختاری کے لیے ایک نیا سوشل کانٹریکٹ 1973 کے آئین کی 18ویں ترمیم جو 2010 میں نافذ ہوئی تھی اس کو صوبائی خود مختاری کو بڑھانے اور وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان تعلقات کو دوبارہ ترتیب دینے میں دوبارہ بنانے میں اہم اقدام یعنی کہ اس کو سمجھا جاتا ہے. سو دس امینڈمنٹ کین بی سین ایز اے نیو سوشل کانٹریکٹ امانگ پاکستانی پولیٹیکل پارٹیز ریفلیکٹنگ دیئر کمٹمنٹ ٹو پروویژنل رائٹس اینڈ ڈیموکریٹک گورننس. پاکستانی سیاسی جماعتوں کے درمیان یہ جو ترمیم تھی یہ صوبائی حقوق اور جمہوری حکومت کے عزم کو ریفلیکٹ کرتی ہے. ایک نئے سوشل کانٹیکٹ کے طور پر اس کو دیکھا جا سکتا ہے. پھر اگر ہم اس کا تاریخی تناظر دیکھتے ہیں یعنی صوبائی خود مختاری کی ضرورت کیوں پیش آئی تو پاکستان کا جو حکومت تھی وہ مرکزی یعنی کہ نوعیت کی رہی جس کی وجہ سے پھر جو وفاقی حکومت اور صوبائی صوبے تھے ان کے درمیان کافی اختیارات کے حوالے سے اور وسائل کے حوالے سے کشیدگیاں پیدا یعنی پائی جاتی تھی. تو پھر چھوٹے جو صوبے تھے ان میں وسائل اور فیصلہ سازی کی جو طاقت تھی اس میں بڑے صوبے جس طرح سے پنجاب ہے اس کے حوالے سے کافی عدم مساوات تھی اور جس کی وجہ سے وہ سوشل انریسٹ پیدا ہو رہا تھا. تو پولیٹیکل موبلائزیشن یعنی صوبائی خود مختاری کے لیے جو مطالبات تھے وہ مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی کیے گئے. خاصطور پر سندھ کے پی کے بلوچستان اور پنجاب میں بھی یہ آوازیں آئیں اور 18ویں ترمیم کے طویل عرصے سے جو جاری
तो भाई हकूक और मैन की शिकायत थी वो इसके जवाब में थी, यानी 18वीं तरमीम लाई गई थी। और 18वीं तरमीम की जो खसूसियात थी उसने इख्तियारात की तफवीज की कर दी मतलब सूबों को, और उसने जो इस तरमीम ने वफाकी हुकूमत से सूबों के अहम इख्तियारात मुंतकिल किए, जिससे ज्यादा में गैर मरकजी हुकूमती स्ट्रक्चर बना। और इसके अलावा जो इसमें हेल्थ एजुकेशन और लोकल गवर्नमेंट थी यानी कि इनको इख्तियारात मिले, फिर इसके अंदर बेहतरी आई, इन्हें मकामी जरूरत की बुनियाद पर फैसला करने की इजाज़त मिली। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज यानी 18वीं तरमीम ने आईनी दफात के जरिए सूबाई खुद मुख्तारी की जमानत दी, जिससे वफाकी हुकूमत के लिए सूबाई हकूक का एहतराम और जो है करना कानूनी तौर पर फिर लाजमी हो गया। दैट इंश्योर दैट प्रोविंसेस कुड लेजिस्लेट ऑन मैटर्स दैट डायरेक्टली अफेक्ट देयर पॉपुलेशन। इसने ये यकीनी बनाया कि सूबे इन अमूर पर कानून साजी कर सकते हैं जो बरह रास्त उनकी आबादी के ऊपर असरअंदाज होते हैं। फिर प्रोविजनल असम्बलीज को 18वीं तरमीम की वजह से यानी कि उनको ज़्यादा ताकत मिली, सूबे असम्बली को ज़्यादा कानून साजी की ताकत मिली, ज़्यादा फैसला साजी के अंदर उनको ताकत मिली। फिर इसने सियासी जमातों को सूबे हुकूमत में ज़्यादा बेहतर तौर पर शामिल होने की तरगीब दी, जिससे मकामी रहनुमाओं के दरमियान जो है वो एक यानी ओनरशिप का एक एहसास भी पैदा हुआ। फिर सियासी जमातों के दरमियान जो है वो इतफाक़ राय हुआ, यानी दो तरफा हमायत रही, बाई पार्टीसन सपोर्ट। तो 18वीं तरमीम को मुख्तलिफ सियासी जमातों जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, बाकी जो बड़ी यानी जमात थी उनके साथ इसको मंजूर किया गया था। तो ये जो कंसेंसस था ये सूबाई खुद मुख्तारी की अहमियत की मुश्तरक शनाख्त को रिफ्लेक्ट करता है और जो कौमी इतिहाद और सियासी इस्तेकाम को फ़रोग देता है। दैन कमिटमेंट टू डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, सियासी जमातों ने 18वीं तरमीम की हमायत करके जमहूरी असूलों के साथ अपने अज़म का मुजाहरा किया, मकामी हुकूमत और नुमाइंदगी की अहमियत के ऊपर जोर दिया। सो बाई सपोर्टिंग द अमेंडमेंट पार्टीज एम टू बिल्ड ट्रस्ट विद द प्रोविजनल पॉपुलेशन एंड एड्रेस रीजनल डिस पार्टीज। इस तरमीम की हमायत करके जमातों ने सूबाई आबादियों के साथ एतमाद कायम करने, फिर इलाकाई जो फिरके थे उनको हल करने का इरादा किया, और सूबाई खुद मुख्तारी के लिए इसके असरात इसके ऊपर थे यानी सूबाई हुकूमतों के जो बाख्तियारी है इसके अंदर। तो 18वीं तरमीम ने सूबाई हुकूमतों को ऐसे फैसले करने के काबिल बना दिया जो उनके हलके की ज़रूरियात और ख्वाहिशात की अक्कासी करते हैं। फिर इख्तियारात की ये जो तब्दीली थी, ये सूबों को तालीम, सेहत, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में मखसूस पॉलिसियों की तरक्की की इजाज़त देती है। लोकल अकाउंटेबिलिटी की प्रमोशन, जब इख्तियारात मरकज से सूबों को मुंतकिल हुए तो मकामी सतह के ऊपर लोगों को ओनरशिप का एहसास हुआ, चाहे वो तालीम का शोबा हो या सेहत का शोबा हो, तो बहुत सारे यानी के फील्ड्स के अंदर लोगों को ये एहसास हुआ कि वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक इख्तियारात को इस्तेमाल कर सकते हैं और तरमीम कर सकते हैं अपने निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए। इस तरह जो है वो इख्तियारात जो थे वो बेहतर तौर पर निचले सतह के ऊपर जो है वो यानी के गए और अपने वोटों के सामने वो ज़्यादा यानी के अपने जो भी उनकी जिम्मेदारियाँ हैं उसके हवाले से वो उनको बेहतर तरीके से सर अंजाम दे सकते थे, और जो जमहूरी हुकूमतें थी उनको बेहतर बनाता, क्योंकि शहरी जो थे वो अपने सूबाई नुमाइंदों को उनके इकदाम और फैसलों के लिए ज़्यादा जवाबदेह ठहरा सकते हैं, यानी इस मकामी जवाबदेही को जो है वो फ़रोग मिला। फिर 18वीं तरमीम जो थी 1973 के आन की, तो पाकिस्तान में सूबाई खुद मुख्तारी के लिए जो सियासी यानी जमातें थी उनके दरमियान एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लिए नुमाइंदगी करते हैं। इसमें जो है वो गैर मरकजी हुकूमत है सूबाई असम्बली को बख्तियार बनाते हुए जो बड़ी सतह के ऊपर जो सियासी इतफाक राय है उसको यकीनी बनाकर एक बड़ी तवील अरसे से जो शिकायत जारी थी तो वो हल हो गई, और जमहूरी असूलों के अज़म को भी मजबूत किया गया। वफाक और सूबाई हुकूमतों के दरमियान तालुकात को बेहतर बनाने की तरफ 18वीं तरमीम लाना एक अहम कदम था जो आखिरकार पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम और इतिहाद में इजाफा करती है। इस तरह से जो अभी भी लेकिन इसके अंदर मसाइल मौजूद हैं, जिस तरह से बलोचिस्तान है, बलोचिस्तान के लोगों को भी अक्सर यानी बलोचिस्तान की तरफ से ये शिकायत आती हैं कि उनके जो वसाइल हैं उनकी तकसीम उनके सूबों में इक्वल नहीं है बराबर बाकी यानी कि पाकिस्तान के सूबों के हवाले से, खासतौर पर पंजाब को कंपेयर किया जाता है। तो इस तरह से अभी भी यानी कि मसाइल मौजूद हैं और जिनको हल किया जाना ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टू व्हाट एक्सटेंट ग्लोबल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस आर डिस्पेंसेबल पीसेज ऑफ द ग्लोबल गवर्नेंस। इलाकाई इक्तिसादी इदारे आलमी हुक्मरानी के ज़रूरी अनासर हैं, इस बात की कितनी हद तक तस्दीक की जा सकती है। तो आलमी इक्तिसादी इदारे जो हैं वो बैन अक्वामी इक्तिसादी पॉलिसी को बनाने में, फिर यानी कि फोस्टिंग कोऑपरेशन देन प्रमोटिंग स्टेबिलिटी
اس کے اندر بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں اور ان کے جو عالمی حکمرانی ہیں اس میں اہمیت جو ہے مختلف پہلو میں واضح ہے, یعنی اقتصادی بحرانوں کا انتظام کرنے سے لے کر غربت اور عدم مساوات جیسے عالمی چیلنجز سے نمٹنے تک. دین انڈرسٹینڈنگ گلوبل اکنامک انسٹیٹیوشنز, اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں گلوبل اکنامک انسٹیٹیوشنز کو, عالمی اقتصادی ادارے کیا ہیں؟ عالمی اقتصادی ادارے وہ تنظیمیں ہیں جو ممالک کے درمیان بین الاقوامی اقتصادی تعاون کو اور آہم آہنگی کو آسان بناتے ہیں. اب اس کے اندر ادارے شامل ہیں, مثال کے طور پر انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے, آئی ایم ایف, ورلڈ بینک ہے, ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہے, یعنی مانیٹری فنڈ اور آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک جو ہے وہ ایسے ممالک کی مالی طور پر امداد کرتے ہیں جس کی معیشت بحران سے گزر رہی ہوتی ہے. تو اس طرح سے کئی ممالک کو ڈیفالٹ ہونے سے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے قرضے بچاتے ہیں, اور اس بہت سارے یعنی کہ ان کو مالی امداد فراہم کی جاتی ہے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو, جس طرح سے پاکستان بھی آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے کے ساتھ معاہدے کرتا ہے, اور یعنی کہ ان کی شرائط تو جو بھی معاہدے کے حوالے سے ہوتی ہیں اس کو پوری کر کے قرضے حاصل کرتا ہے اپنی معیشت کو اسٹیبل کرنے کے لیے. پھر پرپز اینڈ آبجیکٹیو, ان کے ان اداروں کے مقاصد کیا تھے, ان اداروں کے جو ہے یہ ادارے جو تھے وہ رکن ممالک اقتصادی استحکام کو, ترقی کو, تجارت کو فروغ دینے کے لیے کام کرتے ہیں. یہ مالی مدد, پھر پالیسی مشورے اور ڈائیلاگ مذاکرات کے ذریعے پلیٹ فارم بھی دیتے ہیں. اب کی رولز ہیں گلوبل اکنامک انسٹیٹیوشنز کے, جس میں اکنامک اسٹیبلٹی ہے, کرائسس مینجمنٹ ہے, یعنی جیسے یہ اس طرح کے ادارے جو ہیں وہ عالمی اقتصادی اداروں کے اندر بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں, یعنی عالمی اقتصادی ادارے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں اقتصادی استحکام کے اندر بحران کا انتظام کرنے میں. جیسے آئی ایم ایف آئی کے ادارے ہیں اقتصادی بحران کا سامنا کرنے والے ممالک کو مدد کرتے ہیں, انہیں معیشتوں کو مستحکم کرنے میں, ان کی ترقی کو بحال کرنے میں مدد کرتے ہیں. تو اس طرح سے یہ جو مستقبل کے بحرانوں سے بچنے کے لیے ان کو پالیسی بنانے کے لیے مشورے بھی دیتے ہیں, ان کو ٹیکنالوجیکل مدد بھی دیتے ہیں. پھر ڈیولپمنٹ اسسٹنس ہے, یعنی عالمی بینک جو ہے جس طرح سے ورلڈ بینک ہے, تو جو غربت کو کم کرنے, پائیدار ترقی کو پروموٹ کرنے کے اوپر توجہ دیتا ہے, ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈنگ اور وسائل دیتا ہے. تو یہ ترقی پذیر جو ممالک ہیں ان کو بنیادی جو ان کے اسٹرکچر ہے ان کی تعمیر, تعلیم میں بہتری, صحت کی دیکھ بھال کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے. اس طرح سے فیسیلیٹیٹنگ ٹریڈ ہے, یعنی بین الاقوامی تجارت کو منظم کرتا ہے. WTO اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ تجارت جتنا ممکن ہو ہموار اور پیش گوئی کے قابل ہو, اور مذاکرات اور تجارتی تنازعات کے حل کے لیے ایک فورم بھی دیتا ہے. پھر پروموٹنگ گلوبل کوآپریشن ہے, یعنی عالمی تعاون کو فروغ دینا جس میں کثیر الجہتی مذاکرات آتے ہیں. تو اس کے اندر عالمی اقتصادی ادارے ممالک کے اقتصادی مسائل کے اوپر جو ہے وہ ملٹی لیٹرل نیگوسیشن کرتے ہیں, یعنی اس کے لیے پلیٹ فارم دیتے ہیں. اور اس کے بعد عالمی چیلنجز جیسا کہ موسمیاتی تبدیلی یہ ہے, اس کے اوپر تعاون کو آسان بناتے ہیں, جو پھر اجتماعی عمل کی ضرورت ہوتی ہے. پھر عالمی معیار کو قائم کرنا, یعنی سیٹنگ گلوبل اسٹینڈرڈ, جیسے اس طرح کے WTO جیسے ادارے ہیں یہ بین الاقوامی تجارت کے لیے قواعد و ضوابط بناتے ہیں, عالمی تجارت کے لیے پیش گوئی کرنے کے قابل ماحول پیدا کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ممالک کے درمیان اسٹینڈرڈس کو اور اس کے علاوہ ریگولیشنس کو یہ ہم آہنگ کرنے میں مدد کرتے ہیں, منصفانہ مقابلے کو یہ پروموٹ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جن کو کچھ چیلنجز کا بھی سامنا ہے, یعنی کہ جس طرح سے ریپریزنٹیشن اور انکوالٹی ہے اس میں نمائندگی کی اور عدم مساوات ہے, تو اس کے اوپر جو ناقدین ہیں جو یعنی کہ تنقید کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو عالمی اقتصادی ادارے ہیں وہ اکثر ترقی یافتہ ممالک کو ترقی پذیر ممالک کے اوپر ترجیح دیتے ہیں, جس کی وجہ سے نمائندگی میں انیکوالٹی پیدا ہوتی ہے, اور جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کے پاس فیصلہ سازی کے عمل میں محدود اثر و رسوخ ہوتا ہے جو پالیسی کو کی منصفانہ نیچر کو متاثر کرتا ہے. پھر یعنی کہ کنڈیشنلٹی آف دا سسٹمس ہے, اس میں بھی کافی چیلنجز ہیں. آئی ایم ایف, عالمی بینک بعض اوقات ان کے اوپر یہ یعنی کہ کافی سخت شرائط عائد کر دیتے ہیں ان ڈیولپنگ کنٹریز کے اوپر جو ان سے قرضے لے رہے ہوتے ہیں, تو جو وصول کرنے والے ممالک ہوتے ہیں پھر ان کو سماجی اقتصادی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کیونکہ آئی ایم ایف کی جو یا ورلڈ بینک کی شرائط ہوتی ہیں وہ کافی سخت ہوتی ہیں. تو اس کے علاوہ جو عوامی عدم اطمینان یعنی کہ ان شرائط کی سختی کی وجہ سے پیدا ہو سکتا ہے, تو جو عالمی اقتصادی ادارے ہیں وہ واقعی عالمی حکمرانی کے لیے یعنی کہ لازمی ایلیمنٹس ہیں. وہ ممالک کے درمیان اقتصادی استحکام کو بھی, ترقی کو بھی, ان ڈیولپمنٹ کو بھی اور کوآپریشن کو بھی پروموٹ کرتے ہیں, اس میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. چیلنجز اور تنقید کے سامنا کرنے کے باوجود جو ہے وہ جو عالمی اقتصادی مسائل ہیں ان کا انتظام کرنے میں, ڈائیلاگ کو پروموٹ کرنے میں اور ان کے تعاون انہیں جدید دنیا کے پیچیدگیوں سے نمٹنے کے لیے جو ہے وہ ضروری بنا دیتا ہے. تو اس گلوبل انڈیپینڈنس انکریزز دی امپورٹنس آف دیز انسٹیٹیوشنز.
In facilitating collaboration ensuring equitable economic growth will only continue to grow. Yani ke in idaron ki jo ahmiyat hai mushtar ka taun ko aasan banane mein fir munspan iqtisadi tarakki ko yakeeni banane mein badhti rahegi. Next hamara sawal hai ke examine the importance of the national interest for peace and security with special references to geostrategic position for economic opportunities of the Pakistan in the 21st century. قومی مفاد کی امن اور سلامتی کے لئے اہمیت کا جائزہ لیں خاص طور پر پاکستان کی جغرافیہ حکمت عملی کے حیثیت اور 21ویں صدی کے اقتصادی مواقع کے تناظر میں نیشنل انٹرسٹ جو ہے یعنی امن اور سلامتی پاکستان کی جغرافیہ حکمت عملی کی حیثیت اور 21ویں صدی کے اقتصادی اپرچونٹیز قومی مفاد کا ایک اہم ایلیمنٹ ہے جو کسی ملک کی پالیسی اور حکمت عملی کو تشکیل دیتا ہے تاکہ امن اور سلامتی کو برقرار رکھا جا سکے تو پاکستان کے لیے جو ہے یہ اس کی جو جغرافی حکمت عملی ہے اس کی حیثیت 21 صدی میں منفرد مواقع چیلنجز پیش کرتی ہے سو ڈیفائن کرتے ہیں نیشنل انٹرسٹ کو سب سے پہلے واٹ از نیشنل انٹرسٹ نیشنل انٹرسٹ مینز یعنی قوم مفاد ان مقاصد اور اہداف کا حوالہ دیتا ہے جو کسی ملک کی خارجہ اور جو داخلی پالیسی ہیں ان کی رہنمائی کرتے ہیں تو اس میں اقتصادی ترقی بھی شامل ہوتی ہے اس کے اندر قومی سالمیت بھی آتی ہے سیاسی استحکام بھی آتا ہے اور سلامتی بھی آتی ہے ملک کی اب اس کے جو امپورٹنٹ کمپوننٹس ہیں وہ ہے سیکیورٹی اکانومک پراسپیرٹی کلچرل ویلیو بیرونی اور داخلی خطرہ سے ملک کا تحفظ اور اقتصادی اور ترقی کو یقینی بنانا پھر کلچرل ویلیوز ہیں یعنی قومی شناخت اور اقتدار کا تحفظ اور اس کو فروغ دینا پاکستان کی جو جغرافیائی یعنی کہ پوزیشن ہے جیو اسٹریٹجک پوزیشن اس کی لوکیشن کی بات کرتے ہیں تو پاکستان جنوبی ایشیا ویسٹ ایشیا اور مشرق وسطی کے انٹرانس کے اوپر موجود ہے اور یعنی کہ چائنا بھارت اور ایران جیسے جو بڑے اقتصادی ممالک ہیں ان کے نزدیک ان کی علاقائی جو سیاست ہے وہ پاکستان کی علاقائی سیاست کو بڑھا دیتے ہیں پھر ایکسیس ٹو ٹریڈ روڈز یعنی پاکستان جو ہے وہ عربی سمندر کے ذریعے اہم سمندری راستوں تک رسائی رکھتا ہے جو اسے تجارت کے لیے ممکنہ مرکز بنا دیتا ہے پوٹینشیل ہب فار ٹریڈ دین چائنا پاکستان اکانومک کوریڈور یعنی سی پیک یعنی کہ اس بات کی ایک مثال ہے کہ کس طرح پاکستان کا مقام تجارت اور سرمایہ کاری کو آسان بنا سکتا ہے پھر نیشنل انٹرسٹ اور پیس اسٹیبلٹی ان دا ریجن پاکستان کا قومی مفاد جنوبی ایشیا میں امن اور استحکام کو برقرار رکھتا ہے خاص طور پر اپنے ہمسایوں کے ساتھ پھر جو اسٹیبل انوائرمنٹ ہے یعنی ایک مستحکم ماحول اقتصادی ترقی کی اجازت دیتا ہے غیر ملکی سرمایہ کاری کو جو ہے وہ یعنی کہ اٹریکٹ کرتا ہے پھر کاؤنٹرنگ ایکسٹریمزم ہے یعنی قومی مفاد میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنا شامل ہوتا ہے جو سلامتی اقتصادی ترقی دونوں کے لیے خطرہ ہے پھر ہمسایہ ممالک کے ساتھ جو دوستانہ تعلقات ہوتے ہیں سلامتی کے خطرات کو کم کر سکتے ہیں تعاون کو پروموٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد نیشنل انٹرسٹ اور سیکیورٹی آتا ہے یعنی ڈیفینسو پوسچر دفاعی انداز پاکستان کی فوجی حکمت عملی مفاد کے قومی مفاد کی رہنمائی کرتی ہے جو قومی سالمیت اور خود مختاری کے تحفظ کے اوپر توجہ دیتی ہے ایک مضبوط دفاع امن کو برقرار رکھنے میں جارحیت کو روکنے کے لیے ضروری ہوتا ہے تو اسٹریٹجک الائنسز ہے یعنی کہ جو اسٹریٹجک اتحاد ہے چائنا اور امریکہ جیسے اہم ممالک کے ساتھ اتحاد قائم کرنا پاکستان کی سلامتی کو بڑھاتا ہے اور یہ اتحاد فوجی حمایت یعنی ملٹری سپورٹ اکانومک ایڈ اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے اوپر مشتمل ہوتا ہے پھر ہے اکانومک اپرچونیٹیز ان دا 21 سینچری یعنی پاکستان کی جغرافیائی 21ویں صدی کے اقتصادی مواقع میں تجارت اور سرمایہ کاری پاکستان کی جغرافیائی جو حکمت عملی کی حیثیت ہے وہ وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ تجارت کے مواقع دیتی ہے اور جس طرح سے انیشیٹیوز ہیں سی پیک ہے سرمایہ کاری کی یہ راہ ہموار کرتا ہے پھر بیسک اسٹرکچر کو بہتر بنا سکتے ہیں ملازمتیں سی پیک کریٹ کر سکتا ہے اور توانائی کی راہداری ہے یعنی پاکستان کے سروس انرجی کوریڈور اور اس کے علاوہ ٹرانزٹ فیس کے ذریعے اقتصادی فائدہ یہ فراہم کر سکتا ہے جو مشرق وسطی سے ایشیا تک تیل اور گیس کی جو نقل و حمل ہے اس کو آسان بنا دیتا ہے اور توانائی کی سلامتی کو بڑھا سکتا ہے اور ٹرانزٹ یعنی کہ جو ٹرانزٹ یعنی فیس ہے اس کے ذریعے اقتصادی فائدہ دے سکتا ہے تو جو نیشنل انٹرسٹ کی امپورٹنس ہے یعنی قومی مفاد کی اہمیت ہے وہ امن اور سلامتی کے لیے اس کو کم نہیں کی جا سکتی خاص طور پر ایسے ملک کے لیے جیسے پاکستان میں جس کی جغرافیہ حیثیت اسٹریٹجک ہے اور قومی جو مفاد ہے اس کو ترجیح دے کر پاکستان استحکام کو فروغ دے سکتا ہے اس کے علاوہ سلامتی کو بڑھا سکتا ہے تو
21वीं सदी में इक्तसादी मौके का फायदा उठा सकता है। तो हमसाया ममालिक के साथ अमन और तामन के तालुकात के ऊपर तवज्जो देने से पाकिस्तान को अपने इक्तसादी हदाब के असूल के साथ साथ अपने शहरियों की हिफाजत और भलाई को यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग गार्डियन काउंसिल ऑफ द ईरान ईसीओ एंड गार्डियन काउंसिल ऑफ ईरान। सो इसमें दो पॉइंट को देखते हैं जो ईरान की निगबानी का काउंसिल है। तो हम इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि व्हाट इज गार्डियन काउंसिल ऑफ ईरान। गार्डियन काउंसिल ईरान में एक अहम सियासी इदारा है जो मुल्क के कानून साजी और इंतखाबी अमल में अहम किरदार अदा करता है। ये इस बात को यकीनी बनाता है कि पार्लियामेंट की तरफ से पास करदा कवानीन इस्लामी असूलों और आइन के मुताबिक हों। ठीक है, ये है गार्डियन काउंसिल ऑफ द ईरान। और उसके अगर हम गार्डियन काउंसिल ऑफ ईरान की कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसके अंदर मेंबर्स जो हैं वो 12 मेंबर्स के ऊपर ये मुश्तमिल है। उसके अंदर 6 उलमा होते हैं जो सुप्रीम लीडर की तरफ से मुकर्रर किए जाते हैं, यानी सुप्रीम लीडर उनको अपॉइंट करता है। और उसमें 6 जो हैं वो ज्यूरी होते हैं, यानी जजिया की तरफ से नामजद किए जाते हैं और पार्लियामेंट की तरफ से उनकी मंजूरी दी जाती है। और अब अहम फंक्शन इसके हैं लेजिस्लेटिव रिव्यू में, यानी कि जो पार्लियामेंट की तरफ से पास करदा तमाम कवानीन हैं ये उसका जायजा लेती है। और उसके बाद यानी कि ये जो इस्लामी कवानीन जो आइन के साथ अदम मुताबिकत की सूरत में कवानीन को मुस्तरद करती है, यानी कि अगर ऐसे कवानीन बनाए जाते हैं जो इस्लामी कवानीन से हट करूँ तो फिर ये काउंसिल जो है ये उनको उन कवानीन को ख़त्म कर देती है, मुस्तरद कर देती है। और उसके बाद इलेक्शन ओवरसाइट है, यानी इंतखाबी निगरानी, ये काउंसिल इंतखाबात की भी निगरानी करती है। ये दूसरा फंक्शन है यानी इस इदारे का, जिसमें सदारती पार्लिमानी और माहरीन असम्बली के इंतखाबात होते हैं। और उसके बाद उम्मीदवारों के जो काबिलियत है उसकी भी ये तस्दीक करती है, इसकी क्वालिफिकेशन की, और मखसूस मियार के तहत उन्हें नाअहल जो है वो करार दे सकती है। गार्डियन काउंसिल जो है वो इस्लामी जमहूरियत के इकदार की यानी के गेट कीपर होती है। ये मुंतखब पार्लियामेंट और गैर मुंतखब जो इदारे होते हैं जैसे सुप्रीम लीडर है या अदलिया के दरमियान ताकत है, इसके बैलेंस को बरकरार रखती है। अब इसके ऊपर तनकीद भी की जाती है इस इदारे के ऊपर के सियासी मुकाबले को ये महदूद करने और जमहूरी अमल को कमज़ोर करने का इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है। तो बहुत से लोग उसे अवामी खुद मुख्तारी के असूल की कमज़ोरी भी समझते हैं। और दूसरा जो हमारा पॉइंट है इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ईसीओ का, ईसीओ का इंट्रोडक्शन हम देखते हैं कि ईसीओ क्या है। ईसीओ इक्तसादी तमन तंजीम है, यानी इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, और एक ये बैन अक्वामी तंजीम है जिसका मकसद अपने रुकन मालिक के दरमियान इक्तसादी टेक्निकल और कल्चरल जो सकाफती तावन है यानी कल्चरल कोऑपरेशन है इसको जो है वो फ़रोग देती है। और उसके बाद इसकी जो तारीख है यानी कि ये कब बनी, तो ईसीओ की बुनियाद जो है वो 1985 में इक्तसादी तावन तंजीम के तौर पर रखी गई थी, और जो 1964 में कायम करदा लकाई तावन बराए तरक्की यानी RCD की जगह बनी। फिर फाउंडिंग मेम्बर्स जो हैं इसके यानी इसके बानी अरकान हैं इब्तदाई तौर पर इसमें ईरान थे और पाकिस्तान और तुर्की से था, और बाद के साथ साथ फिर तंजीम ने कई जो वस्ती एशिया यानी एशियाई और जनूबी एशियाई ममालिक को भी शामिल कर लिया। अब इसके रुकन ममालिक हैं ईरान, पाकिस्तान, तुर्की, अफगानिस्तान, अजरबैजान, काजिकस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। ये ममालिक अब इसके रुकन हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव हैं इकोनॉमिक डिवेलपमेंट के अंदर यानी ये रोल प्ले करती है। ये ममालिक के दरमियान तजारत इक्तसादी तावन को बढ़ाती है जो रुकन यानी इसके रुकन ममालिक हैं, और मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी को फ़रोग देती है, तबनई है इसके अंदर नकल व हमल है, ज़रात है, इसके अलावा इसका फंक्शन है इलाकाई इंटीग्रेशन का, एक इलाकाई इक्तसादी कम्यूनिटी के क्याम में मदद करती है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबों और तजारती माहदों के जरिए रुकन ममालिक के दरमियान तल्लुकात को यह मजबूत बनाती है। अब इसकी अचीवमेंट्स क्या हैं, ईसीओ हैज़ इनिशिएटेड वेरियस प्रोजेक्ट्स सच एज़ ईसीओ ट्रेड एग्रीमेंट्स ECOTA टू रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स, यानी ECOTA तजारती माहदे तजारती रुकावटों को कम करना, फिर डिवेलपिंग यानी ट्रांसपोर्टेशन को डिवेलप करना, एनर्जी कॉरिडोर्स की जो है वो यानी कि डिवेलपिंग के इसके अंदर इकदाम इसने किए। अब इसके को बहुत सारे चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है, यानी ये तंजीम जो है वो अदम इस्तेकाम, इक्तसादी अदम मसावात, मौसर आवांगी की कमी जैसे चैलेंजेस का सामना कर रही है, और सियासी तनाजात भी हैं यानी मुश्तरका कोशिश और इक्तसादी इंजमाम को मुतासर कर सकते हैं। तो गार्डियन काउंसिल जो है यानी ईरान की निगबान काउंसिल इस्लामी रियासत की नजरियाती असलमियत को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करती है, जबकि जो ईसीओ है वो अपने मुख्तलिफ रुकन ममालिक के दरमियान इक्तसादी तावन को फ़रोग देने की कोशिश करती है। तो बोथ एंटिटीज रिफ्लेक्ट द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डायनेमिक्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव रीजंस, यानी दोनों इदारे अपने खितों की सियासी और इक्तसादी डायनेमिक्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, उसकी अकासी करते हैं।
सो इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. इफ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल.